हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ खुशबू अग्रवाल रिप्रेजेंटिंग आवर मैजिकल किचन। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी सैंडविच, यानी कि बहुत ही आसान ब्रेकफास्ट रेसिपी जो सबको बहुत ही पसंद आती है एंड काफ़ी हेल्दी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। जैसे ये देखने में इतनी यमी लग रही है, वैसे ही खाने में बहुत ज़्यादा यमी है। इसके लिए हमने यूज़ किया लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, जैसे कि कैरेट्स, कैप्सिकम, अनियन, टोमेटोज, कॉर्न यानी कि अमेरिकन कॉर्न जिसे हम स्वीट कॉर्न भी बोलते हैं, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया, और इन सब का यूज़ करके हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग। सबसे पहले हम लेंगे वेज मेयोनीज। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून के करीबन लिया है वेज मेयोनीज डॉक्टर ओटकर्स, और यहाँ लिया है मैंने हंग कर्ड। ये मेरा फ्रेश हंग कर्ड है, एकदम गाढ़ी दही। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड कैरेट्स यानी कि गाजर। क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, बारीक कटी प्याज, और इसमें डालेंगे हम चॉप्ड टोमेटोज यानी कि टमाटर। इसके बीज हमने अलग कर लिए थे। यहाँ है हमारे पास कुछ कॉर्न्स, उन्हें भी हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम ऐड करेंगे कुछ हर्ब्स। सबसे पहले इसे हल्का सा मिक्स कर लें एंड इसमें ऐड करें ओरिगैनो। इटालियन हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। यहाँ हमने डाला चिली फ्लेक्स। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ग्रीन चिलीज भी कट करके डाल सकते हैं। ये हमारा सैंडविच मसाला यानी कि मिक्स मसाला, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। ये मिक्स मसाला में हमने यूज़ किया है सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, और उसे मिक्स करके हमने बनाया था। और ये देखिए बहुत ही अच्छी सी स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें अब डाल देंगे हम लास्ट में सॉल्ट। सॉल्ट बिल्कुल लास्ट में ऐड करें सो दैट ये वाटर रिलीज ना करें। और ये बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर का हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, धनिया। खूब सारी ढेर सारी सब्जियाँ आ रही हैं, अभी ठंड का मौसम है तो मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ मैं आपको दिखाऊँ ऐसी डिशेस जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल कर सकें और अपने आप को हेल्दी रख सकें। बहुत ही आसान सी कोल्ड सैंडविच है ये, बहुत ही मज़ेदार। चाहें तो इसमें थोड़ा सा तीखापन और ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने लिया है सैंडविच ब्रेड। ये कुछ ब्रेड स्लाइसेस हैं। सबसे पहले इन ब्रेड स्लाइसेस को, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस हैं, इनके साइड्स को हम ट्रिम कर लेंगे। उससे टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है, और इस साइड्स को आप बिल्कुल भी फेंके नहीं। इसके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर रख सकते हैं, यानी कि इसे सुखाकर इसका क्रम्स बना लें और उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बहुत सारे कटलेट्स और डिशेस को कोट करने के लिए। और अब हम इसमें अप्लाई करेंगे बटर। ये बटर मैंने रूम टेम्परेचर में रख रखा था, और उसे हम अप्लाई कर देंगे चारों ओर इसी तरीके से। एक स्लाइस और लेंगे और उसमें भी हम बटर अप्लाई कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम लेंगे अपनी स्टफिंग, जो मेयो मिक्स वो हम इसमें बीच में डालेंगे और स्प्रेड करेंगे इवनली चारों ओर। और इस तरीके से स्टफिंग थोड़ा कम या ज़्यादा आप कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लें, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। अब हम इसमें स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा ओरिगैनो, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा मिक्स मसाला जो हमारा सैंडविच मसाला था उसे भी हम स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। और ये सेकेंड वाली ब्रेड स्लाइस को हम इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा हम प्रेस करेंगे इसे। और ये देखिए ये हमारी, एक और मैं आपको दिखाती हूँ झटपट से बनाकर, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी प्रेजेंटेशन और कैसे आप इसे कट कर सकते हो। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, पूरा देखें। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। इसके आप टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हो। और यहाँ भी स्प्रिंकल किया ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, आप चाहो तो चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो। छोटी मोटी भूख के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, ब्रेकफास्ट में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये।
आप चाहो तो बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो, काफी हेल्दी एंड टेस्टी है। और ये मैंने इसे कट कर लिया। गाइज, अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसकी प्लेटिंग, दिखाते हैं किस तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं सो दैट ये और भी अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग लगे। बहुत ही अच्छा इवनली कट कर लें। और कैसी वीडियोस आपको पसंद है हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टाइप की रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारा YouTube चैनल आवर मैजिकल किचन, हमारा Facebook पेज है जिसका नाम है आवर मैजिकल किचन, एंड हमारे Instagram पेज आवर मैजिकल किचन को भी फॉलो करें। और भी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स हम लाते रहेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। इन्जॉय करें इस टेस्टी सी यमी हेल्दी सी सैंडविच को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।